अरे अरे मोहतर क्या कर रही हैं आप? माफ कीजिए। अरे आप? आप कैसी हैं? हम अच्छे हैं। उस दिन मुशायरे में अचानक ऐसे गायब हुई। नियाजी साहब कहाँ मिलेंगे? क्या मिलेंगे? आपने हमारे दिल पर जो लिख दिया था, अब भी शेर धड़क रहे हैं। लगता है आपको शेर व शायरी का बड़ा शौक है। जी, बड़े मनचले किस्म के मुलाजिम रखे हैं आपने। ये मुलाजिम? और नहीं तो क्या। ये खुशबू पहचानते हैं? किसी हसीना का मालूम होता है? अरे इसी रुमाल को तो ढूंढ रहे थे, कहाँ मिला? ये मोहतरमा है कौन? क्या मालूम भाई, लोग आते हैं किताबें लेकर चले जाते हैं। उन्हीं जनाब के पास इत्र की दुकान में तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मगर ये तो हमारा दिल लेकर चले गए। आपके साथ मजाक कर रहे थे वो उस रोज। वो तो किताबें खरीदने आए थे, और वो कोई मुलाजिम नहीं, वो एक बड़े नवाब की बिगड़ी हुई औलाद हैं। मोहतरमा इत्तेफाकन ये हमारी तीसरी मुलाकात है, लेकिन अब तक हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। हम तो आपका नाम जानते हैं। तो बताइए हमारा नाम क्या है? ताज, जो नाम दिल पे लिखना था आपने हथेली पे लिख दिया। हथेली पे लिखने से नाम तकदीर बन जाती है। विदेशी छोड़े स्वदेशी अपना है। ताजदार कौन? जिनसे हमें इश्क हो गया है। काफी दिलचस्प इंसान है आप, कभी मुलाजिम, कभी नवाब और कभी इनकलाबी। पर आपके लिए सिर्फ आशिक। पापा फाड़िएगा मत। फाड़ नहीं रे, पहुंचा देंगे आपके ताजदार तक। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? इनकलाब जिंदाबाद। आपकी नत उतराई। मंजूर है हुजूर। लग रहे ना हम असली तवायफ। ने इतनी जल्दी हार मान ली आलम? ताजदार ने आपके लिए खत भेजा है, मिलने बुलाया अगली चांद रात अनारकली के मजार पर। आज उनसे मुलाकात होनी थी अनारकली के मजार पर, हम रैली में कैसे जाएं? अच्छा, तो इसलिए बार बार घड़ी देखी जा रही थी। लेकिन हमने बुलाया था उन्हें वहां, और हम ही नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाए। तो मना लीजिएगा, एक से माफी मांगना आसान है, लेकिन 35 करोड़ से थोड़ा मुश्किल। इसे पहचानते हैं? ये आलम बच्चे कहाँ रह गई थी? ताजदार कब से इंतजार कर रहे हैं? हम सही कर रहे हैं ना फरीदा नापा? मोहब्बत सही गलत से बहुत आगे की चीज है मेरी जान। आप यहाँ सब खैरियत? जी, फरीदा नापा ने आपका खत भिजवाया था। ये हमारा है, लेकिन ये खत हमारा लिखा हुआ नहीं। मजाक मत कीजिए, हम अपनी अम्मी अपनी नत उतराए सब छोड़ कर आए हैं आपके पास। नत उतराई? आप तवाइफ? हमने अपने खत में लिखा तो था। कौन सा खत? जी, उस दिन अनारकली के मजार। सुबह आपके जाने से पहले अगर किसी ने आपको देख लिया तो कहिएगा आप हमारे दोस्त सरफराज की बहन। हम एक और बार कहते हैं, हम तवायफ नहीं हैं। हीरा मंडी में हमारी नत उतराई नहीं हुई है। और सरफराज की बहन का नाम क्या है? आलमजीब। हमारे साथ तो मजाक हुआ है। और हमारे साथ फरेब। आप सरफराज से कह दीजिए कि वो अपना काम पूरे इत्मीनान से खत्म करके लौटे। कभी कभी दिल बहलाने के लिए हम यूं ही कुछ लिख लेते हैं। मसलन? मसलन शेर व शायरी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। जी, आपके भाईजान सरफराज का खत आया है, वो 1 महीने बाद आएंगे। आप इत्मीनान से यहाँ रह सकती। आप हमेशा हमसे इतनी बेरुखी से बात क्यों करते हैं? हम आपको परेशान करते हैं तो हम इतने दिनों से यहाँ हैं क्यों? फर्क सिर्फ ये है कि आपके जख्म दिखते हैं, इन पे हम मरहम लगा सकते हैं। और हमारे जख्म जिस जगह से हम नफरत करते थे वहीं की लड़की से हम
मोहब्बत कर बैठे। सरफराज नाम का हमारा कोई दोस्त नहीं, आलम सेब मलिका जान की बेटी, हीरा मंडी से है लेकिन तवाइफ नहीं। चलिए ताजार साहब, दी आपके मोहब्बत को मोहलत, अब हम भी देखेंगे कि आप इन्हें बलोच खानदान की बहू बनाते हैं या हम इन्हें शाही महल के हुजूर। तुम बदल गए हो ताजदार, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां जो बढ़ चुकी हैं। मोहब्बत और बगावत के बीच एक लकीर खींच के रखो ताजदार मियां। माफ कीजिएगा बलराज भाईजान, लेकिन मोहब्बत और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इनके फर्ज के रास्ते में नहीं आएंगे, आज के बाद हम इस कमरे में नहीं आएंगे। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, निकाह कर लीजिए हमसे। क्या कहा आपने? हमने कहा निकाह कर लीजिए हमसे। हम सोच के बताते हैं, हमने सोच लिया। और हम आपसे निकाह कर लेंगे। वो खत ताजदार ने नहीं, आपने लिखा था। तो क्या, आप तो आबाद हो गई ना। तुसी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। पुलिस ने कुछ देर पहले अमरूद कोठी पर छापा मारा है और किसी आलम को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कर आपका, कमरा आपका, लेकिन सामान हमारा। क्या आप हकीम को बुला सकते हैं? क्या हुआ? हम अपने होटल के काम में मसरूफ रहते थे, हम नहीं जानते हमारी गैर मौजूदगी में क्या करती रही। या अल्लाह, तू धड़कनी। लेकिन आप तो इनसे निकाह करने वाले थे। निकाह और इनसे? तवायफों से निकाह नहीं किया करते। आप ताजदार से नाराज है, हमें तो उन पर नाज है। उन्होंने मुल्क की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हूं, परवाना बना दीजिए। आलम कैसी हैं? दगाबाज है, गद्दार है, हीरा मंडी की बदनाम तवायफ है। ऐसी है आलम। हम हमारे ताजदार के लिए आपके आलमजेब का हाथ मांगने आए हैं। आप हमारी जगह होती तो क्या करते? झूठ नहीं बोलते, अपना इल्जाम एक बेगुनाह के सर पर नहीं डालते। अगली चांद रात को 10 बजे परात लेके आइएगा। क्या है, क्या है ये सब? तो अबू जान ने बारातियों को भी बुला लिया, वरना आलम मुजरे पे बैठेगी। ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करने के इल्जाम में यू अंडर अरेस्ट। अबूजान, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे तो सिर्फ एक छोटी सी चीज, 10:30 बजे तक की मोहलत। याद है ताज, हमने आपसे क्या कहा था? हम ये होने नहीं देंगे। ले जाइए इन्हें। इन गलियों में बारात का आना ख्वाब ही था और खा भी रह जाएगा। आलम सेब की जिंदगी तबाह हो जाएगी, हमें उनसे निकाह कर लेने दीजिए। आलम आपका इंतजार कर रही है। का इंतकाल हो गया,
आपके पास जिगरा है आलम, इंतकाम ले आप। आपको कुछ सिया बुलाने वाले फिर से आने वाले।